हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स के अंदर पढ़ रहे हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। उसके अंदर आज हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10 के अंदर हमें कहा है सो दैट 5 - √3 इज अ इरेशनल। हमें यहाँ पे दिखाना है कि 5 - √3 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, वो हमें दिखाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो नंबर है हमारे पास उसको इरेशनल है ऐसा दिखाने का या ऐसा प्रूव करने का जो मेथड है, उस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उस चीज़ को हम किसी और बात को लेके लेट कर लेते हैं, और फिर जो हमने लेट किया है उसी को हम रॉन्ग है ऐसा प्रूव कर देते हैं। तो अगर वो रॉन्ग होगा तो उसका मतलब सही क्या होगा कि वो इरेशनल नंबर होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी जैसे ही हम ये सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 - √3 है जिसे हमें इरेशनल है ऐसा दिखाना है, शो करना है। तो ये शो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट अस एज्यूम द 5 - √3 इज रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 5 - √3 को इरेशनल है ऐसा शो करो। तो वो शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर हम जो हमें शो करना हो, जो हमें प्रूव करना हो, उसको हम कुछ और लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इरेशनल प्रूव करना है तो उसको हम रेशनल है ऐसा प्रूव ऐसा लेट कर लेंगे। तो 5 - √3 अगर रेशनल नंबर है तो मैं लिख सकता हूँ 5 - √3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए और बी, ए एंड बी, ये दोनों ऐसे को प्राइम नंबर्स हमें मिलेंगे कि जो क्या होगा, रेशनल होगा। क्योंकि हम जानते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिस भी नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर हमने लेट किया कि 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर, इट मीन्स कि ए अपॉन बी फॉर्म में होगा, राइट? तो इज इक्वल टू ए अपॉन बी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आगे जो हमने एक एग्जांपल देखा उसके अंदर हमारे पास ओनली वन वैल्यू थी अंडर रूट में, तो हमने बी को उसके साथ मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे रूट थ्री को एक साइड और नेचुरल नंबर को दूसरी साइड हमें लेना है। तो यहाँ पे 5 - a/b को हम लेफ्ट साइड ले लेंगे और -√3 को राइट साइड ले लेंगे तो वो +√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 - a/b इज इक्वल टू √3। ठीक है, सो हम 5 - a/b सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो b मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, सो यहाँ पे 5b - a/b इज इक्वल टू √3, ऐसी हमें वैल्यू मिलेगी, राइट? अब यहाँ पे a और b जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है फ्रेंड, 5 - √3 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को हम a/b फॉर्म में लिखते हैं, तो वहाँ पे a और b जो होता है वो ऑलवेज इंटीजर्स होता है। ठीक है, आप स्टैंडर्ड 9 में पढ़े हो उसके बारे में। तो यहाँ पे 5b - a/b, तो यहाँ पे b क्या होगा, इंटीजर। यहाँ पे a क्या है, इंटीजर। ये b क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 को एक किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो इंटीजर में ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसमें से माइनस ए करोगे, ए यहाँ पे इंटीजर है
इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि फाइव इंटू बी, बी की जगह पे यहाँ पे कोई इंटीजर नंबर होगा राइट, वैसे ही ए की जगह पे भी यहाँ पे कोई इंटीजर नंबर होगा सेम, बी इज ऑल्सो इंटीजर नंबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो इंटीजर के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा तो इंटीजर नंबर ही मिलेगा हमें, उस इंटीजर नंबर में से इंटीजर नंबर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो मिलेगा वो भी इंटीजर नंबर होगा, उस इंटीजर नंबर को आप दूसरे इंटीजर नंबर से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो भी आपको इंटीजर मिलेगा। एम आई राइट, समझ में आ रहा है कि दो इंटीजर के बीच में सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर इंटीजर मिलेगा, उसी इंटीजर के बीच को आप किसी और इंटीजर से डिवाइड करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो भी कोई इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रूट थ्री इज़ अ इंटीजर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, रूट थ्री इज इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि रूट थ्री जो है वो इंटीजर है, और आपने स्टैंडर्ड 9 में रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि सभी इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर्स है। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, सभी नंबर्स, वॉल नंबर्स, वो सभी नंबर्स किसके अंदर आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब कि रूट थ्री इंटीजर है, इसका मतलब ये होगा कि रूट थ्री रेशनल नंबर है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो ये हमारा जो फॉर्म हमें मिला है रूट थ्री इज ऑल्सो रेशनल नंबर हमें मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर किसी इरेशनल नंबर के साथ आप किसी इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, या तो फिर ये फाइव जो है वो रेशनल नंबर है और माइनस थ्री है वो इरेशनल नंबर है, और स्टैंडर्ड 9 में आपने इसके बारे में पढ़ा है कि अगर रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 5 माइनस रूट थ्री को इरेशनल कहा गया है। ठीक है, और यही हमें शो करना है। लेकिन यहाँ पे तो ये हो रहा है कि 5 माइनस रूट थ्री जो है, ठीक है, यहाँ पे रूट थ्री जो है वो इरेशनल की जगह पे क्या हो रहा है, रेशनल हो रहा है। लेकिन ये तो फैक्ट स्टेटमेंट है कि रूट थ्री इज़ अ इरेशनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह क्या है, तो ये वजह ये होगी कि ये जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सभी कैलकुलेशन गलत होगा। अगर ये कैलकुलेशन सभी गलत होगा तो राइट क्या होगा, तो राइट ये होगा कि 5 माइनस रूट थ्री इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि रूट थ्री इज रेशनल। ठीक है, तो हम लिखेंगे, लेकिन हमें पता है कि बट दिस contradicts the fact that root 3 is a irrational, right? आप ये fact जानते हो कि root 3 तो irrational number है, लेकिन यहाँ पर जो prove हुआ वो तो ये हम prove कर रहे हैं कि वो rational number है। तो मतलब हमने जो prove किया और जो fact है दोनों के बीच में difference है। ठीक है, मतलब कि ये कैलकुलेशन गलत है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 5 माइनस रूट थ्री इरेशनल होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह यह है बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट assumptions। यहाँ पे जो हमने assume किया है
कि 5 - √3 इज़ अ रैशनल, वो हमने गलत एज्यूम किया है। इसका मतलब ये होगा कि 5 - √3 रैशनल है, वो हमारा एब्जॉर्प्शन गलत निकला। तो इसके हिसाब से हम कंक्लूजन दे सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट फाइव माइनस रूट थ्री इज इरेशनल, राइट। तो ये जो फ्रेंड्स मेथड है, आपको जो इरेशनल नंबर्स दिए हैं उसको इरेशनल शो करने की जो मेथड है उसे हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसके अंदर हम उस नंबर को रैशनल है ऐसा लेट करके फिर आगे चल के उसी को ये प्रूव कर देते हैं कि जो हमने लेट किया है, जो हमने एज्यूम किया है वो रॉन्ग है। इसका मतलब ये होगा कि फाइव - √3 इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये मेथड है, ये इसकी प्रोसीजर है जो आपको डायरेक्टली याद रखनी होगी। इसके अंदर कोई अलग कैलकुलेशन नहीं आएगा, ये फैक्ट है, आपको प्रैक्टिस करके याद रखना होगा। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल 11 के अंदर हमें कहा है शो डैट 3 √2 इज इरेशनल, ठीक है। 3 √2 इरेशनल है ऐसा हमें दिखाना है। तो इसका मतलब अगेन जो हमने यहाँ पे किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे, लेट अस एज्यूम 3 √2 इज अ इरेशनल। अगर 3 √2 इरेशनल, 3 √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर 3 √2 रैशनल है तो 3 √2 को दो इंटीजर समय ए ओपन बी फॉर्म होगा उसका, ठीक है, ए ओपन बी फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे √2 को हम अलग रखेंगे तो √2 इज इक्वल टू ए ओपन 3b, ये हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे a और b जो है वो यहाँ पे इंटीजर्स है, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर नंबर से ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स के बीच में डिवीजन हो रहा है, तो जो आउटपुट मिलेगा वो भी इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि √2 जो है वो भी इंटीजर होगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, और √2 अगर इंटीजर है तो इसका मतलब ये होगा कि √2 रेशनल नंबर है, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर ए एंड बी आर इंटीजर्स, मतलब ये जो a अपॉन 3b है वो रेशनल होगा, राइट। a एंड b ये दोनों नंबर इंटीजर्स है, तो मतलब कि इंटीजर्स के बीच में डिवीजन वो भी इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब a अपॉन 3b भी रेशनल नंबर होगा, और अगर a अपॉन 3b रेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब इज इक्वल टू √2 है, मतलब √2 भी रेशनल नंबर होगा। सो √2 इज also rational number, ठीक है। लेकिन ये तो wrong statement है हमारे पास। तो यहाँ पे √2 is a rational number हमें मिल रहा है, लेकिन fact हमें पता है कि √2 जो है वो तो irrational है, तो मतलब कि यहाँ पे contradiction हो रहा है। तो ये contradiction होने की वजह क्या है, but this contradicts कि द फैक्ट दैट √2 इज अ इरेशनल। फैक्ट हम जानते हैं कि √2 तो इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे तो ये सब प्रूव हो रहा है कि √2 रेशनल नंबर। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह क्या है, तो उसकी वजह ये है कि जो हमने लेट किया है 3 √2 इज अ रेशनल नंबर, तो वो हमने गलत एज्यूम किया है, गलत लेट किया है।
तो वो अगर गलत है, ठीक है, √3 √2 रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, तो वो इरेशनल नंबर होगा। सो हम कंक्लूजन दे सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि 3√2 ये इरेशनल है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दिए हुए इरेशनल नंबर को कैसे वो इरेशनल है ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करके आपको उसको प्रूव करना है। सभी क्वेश्चंस, सभी सम्स यही सेम मेथड का यूज़ करके आप सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।